स्टूडेंट, आई एम डॉक्टर प्रभात और मैं आ रहा हूँ बायोलॉजी की सीरीज ऑफ लेक्चर्स लेके सिर्फ आपके। सो फ्रेंड्स, नाउ वी विल लर्न अबाउट द एक्सेसरी ग्लैंड्स इन केस ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, सो ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड इन प्रीवियस क्लासेस दैट वी हैव थ्री मेन एक्सेसरी ग्लैंड्स विच वी हैव टू डिस्कस। तीन ग्लैंड्स हमें डिस्कस करने, एक तो है आपका प्रोस्टेट ग्लैंड, दूसरा है सेमिनल वेसिकल्स एंड तीसरा है बल्ब यूरेथ्रा ग्लैंड और कोपर्स ग्लैंड। आइए देखते हैं। सो द फर्स्ट ग्लैंड इज द सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल कहाँ बैठा हुआ है, देखिए ये लेबल किया हुआ है सेमिनल वेसिकल, ये वाला ग्लैंड जो यूरिनरी ब्लैडर के कारण ठीक से दिख नहीं पा रहा है, बट ये वो ग्लैंड है। यदि आप एनसीईआरटी का डायग्राम देखें लेटरल व्यू, तो उन्होंने अच्छे से दिखाया हुआ है, हमने एक क्लास में लास्ट क्लास में देखा हुआ था। वापस हम देख लेते हैं सेमिनल वेसिकल को एनसीईआरटी के डायग्राम में। सो दिस इज द डायग्राम ऑफ एनसीईआरटी। देखिए ये सेमिनल वेसिकल, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था सेमिनल वेसिकल्स, ये इजेकुलेटरी डक्ट बनाएगा, है ना, उसके साथ मिलके। सो सेमिनल वेसिकल के बाद नेक्स्ट वी हैव प्रोस्टेट ग्लैंड। देखिए एनसीईआरटी ने भी प्रोस्टेट ग्लैंड दिखा रखा है, एंड देन बल्बो यूरेथ्रा विल बी अराउंड द मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा इज बिटवीन द प्रोस्टेट एंड द पेनिस पार्ट इज मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। ठीक है, तो इसको हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। सो अगेन वी आर कमिंग टू द सेम डायग्राम, ये डायग्राम जहाँ से हमने चालू किया था, दैट दिस इज द सेमिनल वेसिकल, दिस इज द प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है, एंड समवेयर यहाँ पे यू विल हैव द बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, है ना, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। तो ये तीनों ग्लैंड के बारे में हमें इंपॉर्टेंट बातें करनी है। सो वी आर स्टार्टिंग विथ सेमिनल वेसिकल। 60% ऑफ सीमेन इज सिक्रेटेड बाय द सेमिनल वेसिकल। सो मैक्सिमम पार्ट ऑफ सीमेन इज बिंग कंट्रीब्यूटेड बाय द सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल हैव फ्रक्टोज विच इज द सोर्स ऑफ एनर्जी। सोर्स ऑफ एनर्जी टू हुम ऑफ इट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी एनर्जी फॉर स्पर्म फॉर स्पर्म। फाइब्रिनोजन इज द स्ट्रक्चर विच विल लीड टू द क्लॉटिंग ऑफ सीमेन। वाई क्लॉटिंग ऑफ सीमेन इज रिक्वायर्ड, बिकॉज इट विल डिक्रीज द एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ स्पर्म। एंड वाई दिस इज यूजफुल, बिकॉज इट विल इंक्रीज द लाइफ स्पैन ऑफ स्पर्म। ठीक है, वट इज प्रोस्टाग्लैंडिन का फंक्शन। प्रोस्टाग्लैंडीन लीड टू कंट्रैक्शन ऑफ मसल्स एंड हैंस इट कॉजेज द मूवमेंट ऑफ स्पर्म ठीक है, एंड अगेन वट इज सिट्रेट, अगेन हेल्पफुल इन एनर्जी प्रोडक्शन। सो दिस इज़ द सेमिनल वेसिकल के सिक्रीशन का काम, और ये चीज़ें आपके लिए नीट यूजी के लिए इंपॉर्टेंट होगी। नेक्स्ट हम जाते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड पे। सेमिनल वेसिकल कैसा था, पेयर्ड था, है ना, ये पेयर्ड था, आपने डायग्राम में भी देखा था, यूनि ब्लैडर बीच में बैठा, एक इस साइड सेमिनल वेसिकल, एक इस साइड। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड पे, इट इज अनपेयर्ड। 20-30% ऑफ द सीमेन प्रोफाइब्रिनोलाइसिन। अब देखो हमने क्या बोला था कि सीमेन हैव्स दिस सेमिनल वेसिकल, जब आएगा सीमेन के अंदर तो क्लॉट करा देगा। अब जब ये सीमेन फीमेल जेनिटेलिया में पहुंचेगा तो उस क्लॉटिंग को ब्रेक भी करना है, तभी स्पर्म मूव कर पाएंगे ऊपर। वो ब्रेक करने के लिए वी हैव दिस फाइब्रिनोलाइसिन, सो इट विल ब्रेक द क्लॉटेड सीमेन। और इसका फायदा क्या होगा, Now the sperm are free to ascend. कहाँ? In female genital tract. है ना? Female genital tract की हम बात करें. Citric acid again for the energy production, and phosphate is also mainly for energy production. ठीक? Next we are going to. अच्छा, प्रोस्टेट ग्लैंड में एक दो बातें आप याद रख सकते हैं। मोर देन 50% ऑफ मेल आफ्टर 50 ईयर दे सफर फ्रॉम बीपीएच। नाउ व्हाट इज बीपीएच, आल्सो नोन एज बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया। इससे क्या होता है,
प्रोस्टेट का साइज बड़ा हो जाता है। प्रोस्टेट का साइज बड़ा होने से क्या होगा, आप डायग्राम पे आगे देखें, यदि प्रोस्टेट का साइज मान लो इतना था, इतना हो गया, तो क्या करेगा, यूरिनरी ब्लैडर को ब्लॉक कर देगा, इससे यूरिन आने में दिक्कत होगी। एंड द ओल्ड पीपल विल फील ऑलवेज दैट सम पार्ट ऑफ द यूरिन हैज़ बीन होल्ड इन साइड, है ना, हमेशा उनको बाथरूम जाने का मन करेगा, जाएंगे तो यूरिन आएगा नहीं बाहर। सो BPH इज इट्स अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम इन मेडिकल प्रैक्टिस, जब आप आएंगे तो आपको पता चलेगा। यदि आपने BPH को ट्रीट नहीं किया तो इट कैन लीड टू BPH कैन लीड टू कैंसर ऑफ प्रोस्टेट। कैसे फॉलोअप करते हैं इसका, फॉलोअप के लिए BPH का फॉलोअप कैसे करते हैं हम, यदि आपसे पूछा जाए, आपके लेवल पे नहीं पूछेंगे, जस्ट फॉर एक्स्ट्रा नॉलेज, अल्ट्रासोनोग्राफी से आप उसका साइज देते हैं। प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, इट्स अ केमिकल, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन एक केमिकल है जिसके लेवल को आप जांच करके आप देख सकते हैं कि प्रोस्टेट का कैंसर तो नहीं हो रहा है। ये लेवल जनरली आपकी बॉडी में 4 nanogram per deciliter से कम होना चाहिए, यदि उससे ज़्यादा हो रहा है, 8 से ज़्यादा हो गया, तो जनरली कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, ये सब हम देखेंगे MBBS के बाद जब हम पढ़ रहे हैं, अभी तो नीट UG के लिए सिर्फ जो मैंने पहले लिखा था वो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वी हैव बल्बो यूरेथ्रा ग्लैंड और कॉपर्स ग्लैंड, दे आर प्रेजेंट इन अराउंड मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। व्हाट इज मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, द यूरेथ्रा विच इज प्रेजेंट बिटवीन प्रोस्टेट एंड पेनाइल यूरेथ्रा, दिस इज मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा एंड द मेन फंक्शन इज द लुब्रिकेशन। नाउ सीमेन स्पर्म फ्लोर प्लस ऑल सिक्रीशन इज नोन एज सीमेन, pH इज अल्केलाइन 7.3 to 4 milliliter per ejaculation and per milliliter of semen should have 100 million of sperm, है ना, 100 million of sperm, है ना, sperm count यदि आपसे पूछा कोई sperm count तो आप ये बोलेंगे। ठीक है, यदि यही 15 million से count कम हो जाए तो हम इसको क्या बोलेंगे, oligospermia। नेक्स्ट लाइन जो हम लिखे हुए हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम नीट UG पॉइंट बिकॉज इट्स फ्रॉम NCERT। 60% ऑफ स्पर्म शुड बी ऑफ नॉर्मल शेप एंड 40% शुड हैव विग्रस मोटिलिटी, यदि आप सीमेन को नॉर्मल बोलना चाहते हैं तो। ठीक है, एंड व्हाट इज दिस एस्थिनोस्पर्मिया, डिक्रीज इन मोटिलिटी इज नोन एज एस्थिनोस्पर्मिया। ऐसे कई टर्म मिलेंगे, जैसे ओलिगोस्पर्मिया हमने बोल दिया, वैसे बोलेंगे एजुस्पर्मिया मतलब है ही नहीं, स्पर्मिया एब्सेंट है ना, एम इज एब्सेंट स्पर्म। ऐसे बोलेंगे टेरेटो मतलब एबनॉर्मल शेप है उसका, है ना, टेरेटो स्पर्मिया। सो टेरेटो स्पर्मिया, ठीक है, ऐसे कई टर्म्स हैं, आप बस इतना याद रखें। ठीक, नेक्स्ट वी विल बी डूइंग व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ANS। देखो ANS इज जनरली जो उसका दो पार्ट होता है, सिंपैथेटिक एंड पैरासिंपैथेटिक, दे आर एंटागोनिस्ट। सिंपैथेटिक एक को कुछ कर रहा होता है तो पैरासिंपैथेटिक उसको उल्टा कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, सिंपैथेटिक यदि हार्ट रेट बढ़ाएगा तो पैरासिंपैथेटिक हार्ट रेट कम करेगा। दिस इज द एक्सेप्शन वेयर both sympathetic and parasympathetic they are working together, they are friend. Sympathetic leads to the ejaculation whereas parasympathetic leads to erection of penis, erection. याद रखिएगा, ये वो जगह है जहाँ पे दोनों साथ साथ काम करते हैं, अदरवाइज बाकी जगह पे इनका काम उल्टा होता है। नेक्स्ट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फ्रेंड्स विल डू इन दिस टॉपिक इन नेक्स्ट वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, सो गो टू द चैनल, सब्सक्राइब इट, लाइक इट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, थैंक्स।